तो भाई तुम लोगों को मालूम होगा कि यहाँ पे रॉकस्टार ने कंफर्म कर दिया है अपना नया ग्रैंड थेफ्ट ऑटो, जो कि आपको देखने को मिलने वाला है दिसंबर में। आपको इसका एक ट्रेलर जो कि अपने रॉकस्टार ने हर एक प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे सोशल मीडिया पे डाल के बता दिया है कि आपको एक नया ट्रेलर देखने को मिलने वाला है दिसंबर में। तो यहाँ पे जितने भी गेमर्स हैं अब वो यहाँ पे इसको पीसी में रन करने के लिए ना हर जगह अब ये ढूंढ रहे होंगे इसका जैसा पीसी बिल्ड कैसे करें। तो यहाँ पे मैं आपको इसमें बताऊंगा कि अब GT6 को खेलने के लिए अपना एक पीसी बिल्ड कैसे कर सकते हो, कैसे क्या थे यहाँ पे ग्राफिक कार्ड लगेंगे और कौन से कंपोनेंट लगेंगे, क्योंकि GT6 जो देखने को मिलने वाला वो हाई एंड ग्राफिक्स में देखने को मिलेगा आपको। तो उसी के आपको रिगार्डिंग एक पीसी बिल्ड करूंगा जो कि आपको GT6 को आराम से यहाँ पे रन कर पाएगा आपके पीसी के अंदर। तो वीडियो बिल्कुल लास्ट से देखते रहना, RGB में देखने को मिलेगा, जिसको RGB का शौक और यहाँ पे अपने दोस्तों को दिखाने का शौक है कि आप GT6 अपने पीसी में खेल लो विद RGB, तो वो नेक्स्ट लेवल आपको लुक देगा और आपकी जो है गेमिंग है वो भी बहुत नेक्स्ट लेवल यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो वीडियो बिल्कुल आप लोग लास्ट तक देखते रहें। सबसे पहले बात करें अगर GT6 की अपन जो रिक्वायरमेंट्स है, जो गेमिंग की रिक्वायरमेंट्स है जो कि निकल के आ रही है, अगर आप जैसे अपनी स्क्रीन पे भी देख पा रहे हो कि वो आपको देखने को मिलने वाली, GT6 को रन करने के लिए आपको अपने पीसी के अंदर क्या क्या चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ पे देखते हो तो आपको जो ग्राफिक कार्ड जो देखने को मिलने वाला वो RTX का 2060 आपको देखने को मिलने वाला है, जो कि रिकमेंडेड है। अगर मिनिमम की बात करी जाए तो वो आपको GTX 970 देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर अपन जो बिल्ड करते हैं वो अगर रिकमेंडेड पे करते हैं तो जो मिनिमम भी आता है तो उसमें भी आराम से चल जाएगा, जो कि अच्छे खासे आपके जहाँ पे ग्राफिक्स देगा। तो यहाँ पे मैं आपको इसकी आपको रिकमेंडेड और मिनिमम दोनों की पीसी बिल्ड यहाँ पे इस वीडियो में बताऊंगा, जिससे आप आराम से इसका पीसी बिल्ड कर सको और कोई दिक्कत देखने को नहीं मिले। तो भाई जैसे कि मैं आ चुका अपनी पीसी स्क्रीन के अंदर, यहाँ पे अपन रिकमेंडेड जो GT6 के लिए आपको पीसी बिल्ड में लगेगा वो यहाँ पे सारे कंपोनेंट में ओपन करूँगा, जिसमें आपको इंटेल कोर i7 देखने को मिल जाएगा। दूसरा कंपोनेंट की बात करें तो वो आपको देखने को मिलने वाला है GigaWatt का आपका मदरबोर्ड, जो कि आप अपने स्क्रीन पर भी देख पा रहे हो, इनके सारे कंपोनेंट में आपको बताता जाता हूँ। और यहाँ पर आपको इसके लिए कूलर भी चाहिए, जो कि आप CPU में यहाँ पर पुट कर पाओ तो वो आपको ये कूलर लगेगा। और यहाँ पे आपको GeForce गेमिंग का आपको GeForce RTX यहाँ पे 2070 यहाँ पे मैंने ग्राफिक कार्ड सुपर आपको देखने को मिलेगा, जो कि रिकमेंडेड ग्राफिक्स में है, क्योंकि इसकी GT6 के ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे वो भी बहुत हाई एंड आपको ग्राफिक्स देखने को मिलने वाले हैं। फिर फिफ्थ कंपोनेंट की बात करें तो वो आपको सैमसंग का देखने मिलने वाला 970 की वो SSD देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे जो गेम की साइज़ भी है वो भी बहुत आपको हाई एंड देखने को मिलेगी, 256 एप ऑफ साइज़ देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पे SSD यूज़ करोगे तो गेमिंग में आपको कोई भी लैग देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि SSD यहाँ पे फास्ट होती है कंपेयर करो तो HDD से, तो बहुत ज़्यादा फास्ट देखने को मिलती है। सिक्स कंपोनेंट की बात करी जाए तो वो वहाँ पे आपकी रैम निकल के आती है, यहाँ पे 16 GB की रैम ली है। मिनिमम की बात करें तो 8 GB मैम आपको कंपलसरी है यहाँ पे, तो यहाँ पे अपन 16 GB की रैम ले रहे हैं, जो कि आपको दो स्टिक देखने को मिलेंगे 8 GB की DDR4 के साथ। और यहाँ पे अगर सेवन कंपोनेंट की बात करें तो वो आपको Corsair का CX Series 650W का आपको पावर सप्लाई देखने को मिलेगा। यहाँ पे कंपोनेंट हाई लगा रहे हो तो पावर सप्लाई भी आपको हाई एंड देखने को मिलेगी, तो Corsair की यहाँ पे आपको पावर सप्लाई देखने को मिल जाती है 80+ ब्रोंज आपको सर्टिफाइड देखने को मिलती है। और यहाँ पे अगर बात करें 8th कंपोनेंट की, जो कि केस देखने को मिलने वाला है, वो NZXT का आपको H210 आपको देखने को मिलने वाला है, अच्छा खासा आपको देखने को मिलता है। कैबिनेट आपको कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, आपको यहाँ पे एक ग्लास पैनल भी देखने को मिलता है। आपके कंपोनेंट यहाँ पे रखोगे, फिर डेस्क पे रखोगे तो नेक्स्ट लेवल यहाँ पे आपको जो गेमिंग का लुक देखने को मिलेगा, और आपका जो GT6 है वो भी नेक्स्ट लेवल स्मूथली बिना किसी लैग के आप खेल सकते हो। उसमें स्ट्रीमिंग भी कर सकते हो, गेमिंग कर सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो, सब आप कर सकते हो, कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे अगर आप बात करें मिनिमम आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये आपकी GT6 की, उसके ऊपर आप एक पीसी बिल्ड, तो उसके रिगार्डिंग आपको एक ये पीसी बिल्ड देखने को मिलेगा, जिसमें इंटेल कोर i5 को 600 का आपको देखने मिले 64000 का आपको देखने को मिलने वाला है, जो कि सॉकेट इंटेल का आपको ये देखने को मिलता है, एक CPU। यहाँ पर अगर बात करें दूसरे कंपोनेंट की तो वो आपको देखने मिला है ASRock का आपको मदरबोर्ड, अच्छा खासा मदरबोर्ड है, कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। थर्ड कंपोनेंट की बात करें तो वो आपको ग्राफिक कार्ड देखने मिला है ASUS का S-Strike का आपको GeForce GTX 917 ग्राफिक कार्ड देखने को मिलेगा, जो कि आपके जो GT6 को अच्छे खासे यहाँ पे आपको ग्राफिक्स प्रोवाइड करा पाएगा। यहाँ पे अगर बात करें फोर्थ कंपोनेंट की, वो है आपकी आपकी स्टोरेज, यहाँ पे आपको वेस्टर्न डिजिटल की आपको देखने को मिले, 1 TB की हार्ड ड्राइव देखने को मिलने वाली है। यहाँ पे मैं दो स्टोरेज यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, एक तो आपको SSD देखने को मिलेगी, एक यहाँ पे आपको SSD देखने को मिलेगी, जो सैमसंग की आपको देखने को मिलने वाली है SSD, जो कि 256 GB की यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं पर लोग। यहाँ पे आपकी जो गेमिंग है वो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, स्टोरेज भी
आपको यहाँ पे आप ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आप अपनी फाइल्स भी सेव कर सकते हो, स्ट्रीमिंग भी कर सकते हो, गेमिंग भी कर सकते, सब कर सकते हो, कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। आप सर एडिटिंग भी सब आराम से यहाँ पे कर पाओगे। अब यहाँ पे बात करते हैं और कंपोनेंट की, तो वो यहाँ पे आपकी रैम देखने को मिलने वाली है। अब रैम भी यहाँ पे अपन 16 GB की रैम ले रहे हैं, अगर 8 GB की रैम लेंगे तो वो पूरी यूसेज आपकी ले लेगा CPU की, तो यहाँ पे आपको लैग देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे 8 GB की रैम आपको देखने को मिलने वाली DDR4 के साथ। और यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे आपका कूलर मास्टर का हाइपर आपको देखने को मिला है, जो कि आपके CPU के ऊपर लगेगा, जो यहाँ पे आपका CPU बहुत हीट होगा तो इसको यहाँ पे कूल डाउन कर देगा, तो कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। और बात करते हैं कंपोनेंट की, तो वो आपको एक देखने मिलने वाला पावर सप्लाई, जो कि EVGA का आपको देखने मिलने वाला है, 600 का पावर सप्लाई, जो कि 600 वॉट का आपको देखने मिलने वाला है पावर सप्लाई, जो कि कोई भी आपको दिक्कत इसमें देखने को नहीं मिलेगी, अच्छी खासी आपकी पावर सप्लाई हो जाएगी और कोई भी आपको दिक्कत देखने मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे कंपोनेंट भी हाई देखने मिले, तो पावर सप्लाई भी आपको अच्छी खासी यहाँ पे चाहिए। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं, जो अलग से आपको इसमें आपको कैबिनेट देखने मिलेगा, उसके ऊपर से आप जो फैंस है वो आपको लगा सकते हो। कॉर्सियर के AF आपको देखने मिले, 120 LED आपको लो नॉइस कूलिंग फैन आपको देखने मिलने वाले, जो कि आपको ब्लू में देखने मिलते हैं, अच्छी खासी आपके जो PC में है, जो फैंस की RGB देगा, जो कि लुक्स में भी अच्छा लगता है। अगर कैबिनेट की बात करें तो कैबिनेट आपको नेक्स्ट लेवल यहाँ पे देखने को मिलने वाली, जैसे कि यहाँ पे आप PC बिल्ड करोगे तो ओवरऑल लुक आपका ये निकल गया इस PC बिल्ड में। यहाँ पे आप फैन को भी यहाँ पे लगाओगे, जो कि मैंने आपको बताया, ये वाले जो आप फैन इसमें भी लगाओगे तो वो और अच्छा खासा आपको PC बिल्ड देखने को मिलेगा, जैसे अभी देख ही पा रहे होगे, अच्छा खासा आपको RGB लगेगा। फिर आप इसको डेस्क पे रखोगे तो वो भी बहुत नेक्स्ट लेवल आपको यहाँ पे फील देगा आपकी गेमिंग में, तो यहाँ पे वो नेक्स्ट लेवल यहाँ पे लगेगा। जैसे यहाँ पे आपको कुछ पोर्ट्स देखने को मिल रहे हैं, पावर बटन देखने मिलने वाला, फिर आपको यहाँ पे माइक का देखने को मिलेगा, हेडफोन जैक का देखने को मिलेगा, और पूरा आपको यहाँ पे पोर्ट देखने को मिल रहा है, अंदर भी आपको अच्छा खासा यहाँ पे स्पेस देखने को मिलता है, और यहाँ पे आपको ग्लास पैनल भी देखने को मिल जाता है, तो कोई दिक्कत देखने को मिली। कूलर मास्टर का मास्टर बॉक्स आपको देखने को मिलने वाला है, नेक्स्ट लेवल यहाँ पे जो है आपकी पावर सप्लाई करेगा, जो कि आप यहाँ पे देख ही पा रहे हो। तो ये है कुछ मिनिमम और रिकमेंडेड PC बिल्ड, जो कि मैंने आपको दे GTA 6 के रिगार्डिंग आपको देखने को मिलेगा। तो अगर तुम लोग ने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो यार वीडियो को अब तुम लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे तुम लोग को ऐसी PC बिल्ड और गेमिंग प्ले स्टेशन और यहाँ पे आपको सब कुछ देखने को मिलता रहेगा। यहाँ पे मैं गेमिंग लाइव स्ट्रीम भी कर रहा हूँ, तो वो भी आपको देखने को मिलेगी। तो जिससे यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बहुत से लोगों को देखने को मिलने वाले PC बिल्ड और यहाँ पे गेमिंग कंसोल से रिलेटेड, तो जिससे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और तुम लोग बताना मुझे तुम लोग को ये वीडियो कैसे लगी, मुझे ट्विटर भी जाकर फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, इंस्टा भी जाकर फॉलो कर लेना, वो भी लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यही था यार आज GTA 6 से रिगार्डिंग एक PC बिल्ड, अगर आप लोग करने की सोच रहे हो या कैसे क्या यहाँ पे आप PC बिल्ड कर सकते हो। तो ये था वीडियो में, अगर आपको वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। फिर भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।